Hello, breast cancer and its treatment brings about several changes in the appearance of our body. In this interview, we are going to talk to Hiba and know how can we manage these changes. Hi Nidhi, hi, thank you for having me here. As always, a big pleasure. Hiba, tell us कि ब्रेस्ट कैंसर के दौरान जो चेंजेस बॉडी में होते हैं, लॉस ऑफ ब्रेस्ट, बाल चले जाते हैं, नेल्स कलर हो जाते हैं, इन सब का इम्पैक्ट बहुत डीप होता है इमोशंस के ऊपर ऑफ अ वुमन. इन सब को कोई भी लेडी कैसे डील करे? आई थिंक कि जब हमारी एक पर्सनालिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है, जब वो हमारे मर्जी के मुताबिक ना चले और हमारी मर्जी के बिना उसको हमें चेंज करना पड़े, दैट कैन बी वेरी इम्पैक्टफुल, राइट? कई दफा वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है व्हाट माय सेंस ऑफ सेल्फ इज स्पेसिफिकली ऑन दैट. तो कई बार हम अपने बॉडी को जैसे हम पले बड़े होते हैं कि मेरा कॉलेज में ये स्टाइल होता था, मेरा जब मैं काम करने लगी तो ये स्टाइल होता था. यू स्टार्ट गेटिंग आइडेंटिफाइड विद दैट. जब हम किसी को डिस्क्राइब भी करते हैं, हम सबसे पहले उनके फिजिकल फीचर्स बोलते हैं. अच्छा, वो लंबे बाल वाले या छोटे बाल वाले, या जो लंबी थी या छोटी थी, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है या जब ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसका सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट होता है, उसका वन ऑफ द मेजर रेपरकशन होता है कि हमारा स्किन, हेयर एंड वेरी फिजिकल चेंजेस एंड अप हैपनिंग. सर्जिकली स्कारिंग हो जाती है, रेडिएशन वाइज स्किन बर्न हो जाती है, एंड ऑल्दो दीज आर टेम्पररी चेंजेस, दे कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन डीलिंग विद इट. वो एक दिन, वो 6 महीने, वो 8 महीने, उनके लिए कई सालों के बराबर हो जाते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के कहना आसान होता है, हम दूसरे को कह के बोले कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बट अगर हमें अंदर से ही वो फीलिंग नहीं आ रही, देन वी थिंक दैट द अदर पर्सन इज इरिटेटिंग मी, द अदर पर्सन इज झूठ बोल रहा है, या वो हमें सिर्फ बहलाने के लिए बोल रहा है. एंड दैट इज वॉट वी हैव टू चेंज फॉर आर सेल्फ और दूसरों के लिए. तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग अपने डायग्नोसिस को या अपने ट्रीटमेंट रिलेटेड चेंजेस को, स्पेसिफिकली जो शारीरिक चेंजेस होती हैं, उसको छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं या कई कई लेंथ तक जाते हैं जो शायद उनके लिए कंफर्ट जोन के बाहर है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. अगर हम खुद से इस चीज को डिस्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे अपने लिए, तो हमारे परिवार वाले आगे जाके कैसे बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे जो भी मेरे फ्रेंड हैं, पार्टनर हैं, मेरे मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट यू नो द हेयर लॉस हैज हैपेंड फॉर एग्जांपल, और द स्कारिंग हैज हैपेंड, दैट्स व्हाई देयर आर लाइक दीज डार्क पैचेस ऑन द नेक और देयर आर डिसकलरेशन ऑन द स्किन. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिग्मेटाइज. द अदर थिंग इज दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओपनली टॉक अबाउट इट. कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा पावर है. हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं आपस में लोगों के साथ. वी डोंट रियलाइज कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप मुझे बहुत अजीब तरह से दिख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद दूसरे को एहसास ही नहीं हो रहा कि वो आपके बॉल्ड हेड को देख रहे हैं एंड इट्स अनकंफर्टेबल, या आपके कोई ऐसे गाल पे एक डार्क स्पॉट हो गया तो उसी को देख रहे हैं. और जब हम सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हमें हर चीज बहुत ज्यादा जल्दी पिक ऑन हो जाती है, राइट? द अदर थिंग इज दैट अगर आप में वो बदलाव आया है, यू कांट कंट्रोल दिस चेंज, सो स्टॉप रनिंग आफ्टर कंट्रोल. डिफाइन दैट फॉर योरसेल्फ, मैं उसको किस तरीके से हैंडल कर सकती हूँ. क्या दवाई लेना मेरे कंट्रोल में है? हाँ, मैंने उसको चूज किया है अपनी लॉन्जिविटी के लिए, अपनी लाइफ को या अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए. नाउ उसका साइड इफेक्ट इज इन माई कंट्रोल, इट इजेंट. So I can't go out of my way to control that. So it's important to know I'm trying. I can wear my scarf differently. I may not choose to wear it also. I can decide mere baalon ki length kya hogi before I expect a hair fall. So redefine that sense of control. Aap perfectionist banne ke chakkar mein mat rahiye. कई बार होता है, बहुत पेशेंट्स को हम देखते हैं कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, बट अंदर से बहुत दुख हो रहा है.
किसी ने आपको प्रेशराइज करने को नहीं कहा कि आपको 100% खुशी रहना है। इमोशंस तो हर तरह का होता है। देर आर गोइंग टू बी डेज वेयर यू आर फीलिंग वेरी बैड, वेरी अनकंफर्टेबल, अलाउ इट। बस आप अपने सामने वाले को या अपने फैमिली को, डॉक्टर्स को बता दीजिए, इट विल हेल्प फील लाइट। राइट? एंड आई थिंक अनदर थिंग इज दैट बॉडीज कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। कुछ लोग वॉलंटेरिली अपने स्पेसिफिकली ब्रेस्ट साइजेस कम और ज्यादा करवाते हैं। दे आर इन कंट्रोल सो दे फील गुड अबाउट देमसेल्व एंड देयर बॉडीज। इन दिस केस व्हेन द साइजेस डिफर यू फील बैड बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल एंड दैट्स ओनली अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स द फियर्स दैट कम इन, आई एम नॉट बिलिटलिंग दैट, कैंसर डायग्नोसिस बहुत ज्यादा डर लेकर आता है जिसके ऊपर बीतती है। हमें आउटसाइडर्स के तौर पे कहना आसान होता है एंड ऑफन टेल दैट टू द पेशेंट्स एज वेल, बट वो जो एक इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमें उसको, अगर हम उसको पहचान लेंगे तो हम दूसरों पे कम निकालेंगे। कि अगर कोई अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, दे लुक वेल, आई डोंट वॉन्ट टू बी मीन टू देम, मैं उनसे बुरा ना कहूं बिकॉज आई एम हर्टिंग। कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि उनको अपने आप को छूने पे, अपने स्कार्स को छूने पे, अपने लॉस ऑफ ब्रेस्ट वाली जो जगह है उसको छूने में बहुत हिचकिचाहट होती है। हम उनको बोलते हैं कि आप धीरे धीरे करके अपने टाइम में स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। कई लोग अपने मिरर्स को ढक देते हैं, देखना नहीं चाहते बिकॉज इट्स सो स्कैरी फॉर देम टू सी। राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट फेसिंग योर स्कार्स। आपको देखना नहीं है, वी स्टार्ट विद जस्ट द टच, वी स्टार्ट विद धीरे धीरे फुल हैंड टचिंग एंड देन यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दैट दोज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट लुक डिफरेंट बट यू स्टार्ट रीबिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद देम, विद दोज पार्ट्स एंड योर बॉडी टू रीडिफाइन के मेरी वो आइडेंटिटी वापस मैं कंट्रोल में कैसे लाऊं। माई कैंसर डजेंट चेंज हु आई एम एज अ पर्सन, तो मैं अपने आप को उस डिफरेंट नजर से क्यों देख रही हूँ जस्ट बिकॉज माई वेट हैज गेन्ड और गॉन, मेरे बाल झड़ गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, सफेद हो गए, कर्ली हो गए, यू नो माई स्किन कलर हैज चेंज, माई नेक हैज अ स्कार अगर किसी का ऊपर की तरफ रेडिएशन होता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू। द अदर थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड इज कि हम अपने आप को जब डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत हार्श वर्ड्स लेकर इस्तेमाल करते हैं। हम कई बार बोलते हैं, अगेन फ्रॉम माई सेशन, समबडी टोल्ड मी कि मैं तो भयंकर डायन लगती थी, मैं तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती थी, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? एंड दैट इज हर ओन इनसिक्योरिटीज बींग प्रोजेक्टेड। एंड वाई कांट वी यूज काइंड एडजेक्टिव टू डिफाइन हु वी आर? वाई डू आई हैव टू कॉल माई सेल्फ अगली और अनप्लेजेंट और स्कैरी? आई एम नॉट स्कैरी, इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। नॉट अ परमानेंट चेंज, इट्स अ टेम्पररी चेंज। So yeah, I feel like these are some of the ways in which we can deal with these changes. First and foremost, to accept that there is a change and it may not be in my control, which is not my fault. Thank you, Hiba, so much. They were very wonderful pointers. And I'm sure anybody who's going to listen to this video is going to benefit a lot.